बोले अच्छा क्या बात है। अच्छा आप जो डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेज रही हैं वो आप कल भेज देना। शिवांगी की दीवानगी में मतलब छत पे चढ़ के शिवांगी की दीवानगी में छत पे चढ़ के आज बर्फ बरसा रहा है। मतलब क्या सीन है पूरा बताइए जरा। अब कितना सुंदर था सीन देखा कि नहीं आप लोगों ने। तो कह रहा हूँ कितनी सुंदर लग रही थी हमारी शिवांगी, हमारी मौनी रॉय। तो ब्यूटीफुल सीन बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जल्दी ऐसे वाले सीन जो होते हैं ना फटाफट शूट हो जाते हैं। आई थिंक इस बार उन्होंने काफ़ी बल्ब लगाया है, स्नो मशीन लेकर आए। आई थिंक लगा रियली रियली ब्यूटीफुल प्रिटी प्रिटी सीन। जब खत्म हो जाएगा ये सीन और बाकी सीन करने के लिए टाइम नहीं बचेगा, हमें आगे बोलेंगे कि मैम और रुकना है और सर और रुकना है, तो पता चलेगा। वो हमें नहीं पता, हम अच्छे लग रहे थे बस। क्यूट सीन और ये भी तक घास नहीं डाल रही मुझे ये रॉकी पागलों की तरह उल्लू की तरह। हाँ इसके पीछे पड़ा हुआ है, मेहनत भी कर रहा है, अलग अलग तरकीबें अपना रहा है, बट सो ही अरे टिश्यू या कुछ देखिए अरे खतरों के खिलाड़ी बनकर कितना डर लगा मतलब ऊपर चढ़ने का। बिल्कुल नहीं बेचारी, ये डर रही थी कि तुम गिर जाओगे आराम से संभल के। अब फियरलेस हाई ना, दैट्स व्हाट द ब्रूस लीज मूवीज नेम वाज, फियरलेस हाई ना। हे आई नो बट यू जस्ट, ये जो लुक मुझे देती है ना कंपेयर्ड टू फियरलेस, द द फियरलेस हाई ना इज अ मूवी सीरीज। आई एम अ ब्रूस ली फैन। अच्छा करीब लास्टली सवाल पूछे लास्टली मतलब करीब आ गए, मतलब कहीं ना कहीं आप दूर भी जाने की कोशिश कर रहे हो, कितना रोक पा रहे हो? मतलब आसान है आपके लिए? रॉकी का प्यार बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल, आदमी भाग तो सकता है छिप नहीं सकता। नहीं बहुत इजी है शिवांगी के लिए, आई थिंक वो जैसे ही कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करती रहती है कि मेरे माँ के कातिल है, माँ के कातिल है। एक मोमेंट था, देयर वाज वन मोमेंट ऑफ वीकनेस, बट आई थिंक इमीडिएटली इन द नेक्स्ट मोमेंट शी थिंक्स, उसको ऐसे लगता है कि शायद ये भी प्लानिंग है मुझे वापस जाने से या अपना इंतकाम लेने से रुकने की। तो फिर से अपने आप को जब भी ऐसे सीन्स होते हैं ना तो मोमेंट ऑफ वीकनेस आ ही जाते हैं इसके। नहीं रेडी आई मैन रेडी आ रहे हैं। हां सो या हां और We'll be right back.